देवघर में आयोजित होने वाली शिव बारात को लेकर सांसद निशिकांत दुबे ने एयरपोर्ट पर उतरते ही जानकारियां ली। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन ने जिस तरह से पूरे क्षेत्र में धारा 144 की अधिसूचना जारी की है वो इस बात की ओर इशारा करता है कि प्रशासन शिव बारात को छोटा और उसकी भव्यता को कम करने में लगा हुआ है। इसको लेकर झारखंड हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल की गई, उसकी सुनवाई गुरुवार को होनी है। शिवरात्रि को लेकर समिति की ओर से जो रूट लाइन भी तय किया गया था उसके प्रशासन ने खारिज कर दिया है। साथ ही उन्होंने शिवरात्रि महोत्सव समिति को सलाह दी है कि वो जिला प्रशासन की बैठकों का बॉयकॉट करे। शिवरात्रि में दो तीन चीजें जो थी वो अलग अलग ये है कि हमने जैसे पहले दिन तय किया कि इसमें चंदा इकट्ठा नहीं होगा, प्रशासन जब बैठक कर रहा था समिति के लोगों को कहा कि चंदा लेना चाहिए। पहली बार मैंने देखा कि प्रशासन पॉलिटिकल कोई काम कर रहा है। दूसरा मैंने देखा कि गेट जो है आज तक जो जहाँ जहाँ लगा लिया, झारखंड मुक्ति मोर्चा का गेट लगा या किसी पॉलिटिकल पार्टी का गेट लगा, किसी ने कभी कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। मैंने देखा कि उसका एक नोटिफिकेशन जारी हो कि उसके लिए आपको परमिशन की आवश्यकता है। तीसरा सवाल ये है कि जो शिवरात्रि महोत्सव करने वाले जो हैं उनको पता है कि नियम क्या है, कानून क्या है। पीएफओ का जो है मैसेज आ गया कि आप किस तरह से वन्य जीव का जो है इस तरह से उपयोग करिएगा। और सबसे जो अंतिम में आया, और मैं लगातार आपको पता है कि सोशल मीडिया पर लिखा रहा कि जिला प्रशासन के सहयोग के साथ जो है शिवरात्रि महोत्सव काम करेगी और करती रहेगी, क्योंकि इसका सारा जिम्मा जो है बाबा की कृपा है। हमने कहा कि मैं खुद से ही करूंगा, किसी की आवश्यकता नहीं है, मुझे शिवरात्रि महोत्सव को सहयोग करूंगा। अब जो सिचुएशन है कि 144 लाख लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा। मोटी मोटी बुद्धि जो मेरी काम करती है, यदि पूरे अनुमंडल क्षेत्र में 144 लाख हो जाए।